हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नेटफ्लिक्स डिकोडेड। आज हम बात करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज डार्क के सीजन 3 के बारे में। अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो घबराइए मत, मैंने सीजन 1 और सीजन 2 का रिव्यू ऑलरेडी करके उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आपको वो वीडियो आई बटन में मिल जाएगी। आप ये वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे कि सीजन 1 और 2 में बेसिकली हुआ क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजन 3 की शुरुआत वहीं से शुरू हुई है जहां सीजन 2 ख़त्म होता है, यानी कि जोनस की दुनिया में मार्था के मरने के बाद एक पैरेलल वर्ल्ड से मार्था आके जोनस को अपनी दुनिया में लेकर चली जाती है, जहां पर वो बताती है कि उसकी दुनिया में भी सेम वैसे ही अपोकलिप्स हुआ है। वो जोनस को अपोकलिप्स होने के 3 दिन पहले वाली दुनिया में लेकर चली जाती है। जोनस वहाँ देखकर पहचानता है कि उसकी दुनिया में जो भी घटनाएं होती हैं वही उस दुनिया में भी मार्था के साथ होती है। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है गाइस, मार्था की दुनिया में जोनस का कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि जो जो घटनाएं जोनस के साथ हुई थी उसकी दुनिया में वही घटनाएं होती है मार्था के साथ मार्था की दुनिया में। ये सीरीज़ में आपको अलग अलग और नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि सीजन 1 और 2 के मिसिंग पजल पीसेज हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इनका आगे चलकर क्या महत्व हो सकता है। अगर आप सीजन 2 देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि उल्रिक 1952 में फंसा हुआ है। उसको बचाने के लिए कैटरीना वहाँ टाइम ट्रैवल करके पहुँच जाती है। तो क्या वो उल्रिक को वहाँ से निकाल पाती है, आपको ये जानने के लिए सीजन 3 देखना पड़ेगा। जोनस को जब टाइम ट्रैवल का पता चलता है तो वह शुरुआत से ये अपनी गलती मानता है कि ये सब घटनाएं उसी के कारण होती रहती हैं, और वो अपोकलिप्स का भी जिम्मेदार अपने आप को मानता है। क्योंकि जोनस तो बचपन में उसको पता रहता है कि वो एडम के खिलाफ जाएगा, पर जाने अनजाने में वो खुद बड़ा होकर एडम बन जाता है। उसको ये नहीं पता कि एडम क्यों एक डार्कर पाथ चूज करता है और सभी मौतें जैसे पहले होती हैं उसको वैसे ही प्रेजेंट और फ्यूचर में होने के लिए दे देता है। जोनस की दुनिया और मार्था की दुनिया एक साथ चलती रहती हैं, जो कि टाइम को इंटरवाइन कर देता है। दोनों में अपोकलिप्स होता है और सभी लोग मर जाते हैं। इसको बचाने के लिए मार्था जोनस से कहती है कि वो उस ओरिजिन का पता करे जो कि इन सब घटनाओं से पहले होता है, ओरिजिन यानी कि शुरुआत, ताकि अगर ये लोग ओरिजिन को ही रोक दें तो उसके बाद के आने वाले घटनाओं पर भी रोक ला सकते हैं। जोनस के पास ये आखिरी मौका रहता है दोनों पैरेलल यूनिवर्सेस को बचाने के लिए और उसकी दुनिया वाली मार्था को भी बचाने के लिए। ये सीरीज़ में काफ़ी बार बताया गया है कि द एंड इज़ द बिगनिंग एंड द बिगनिंग इज़ द एंड। इसका मतलब है अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत। तो क्या जोनस उस शुरुआत का पता लगा सकता है ताकि वो मिकल का केव में जाने से उस पर रोक लगा सकता है और आने वाले घटनाओं पर भी वो रोक ला सकता है? ऐसा करने से जोनस मार्था की भी जान बचा सकता है? ये जानने के लिए आपको सीजन 3 देखना पड़ेगा। मैं वीडियो में आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा क्योंकि स्पॉयलर्स पता चलने के बाद आपको सीरीज से इंटरेस्ट चला जाएगा। सीजन 1 और 2 देखने के बाद आपके मन में बहुत सवाल रहे होंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसका बेटा, कौन किसका भाई है और कौन किसका चचा। ये सीज़न आपको पूरा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इन लोगों के रिलेशंस एक दूसरे से कैसे हैं और कौन किस टाइम पीरियड से ट्रैवल करते हुए किसका बाप और बेटा बन जाता है। ये सीरीज़ में बहुत ही आराम से सिंपल तरीके से इन्होंने आपको समझाया है कि किसका रिलेशन किसके साथ कैसा है, ताकि आपको फैमिली रिलेशंस इस सीज़न में बहुत ही क्लियर समझ आ जाएंगे। मुझे ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आई। ये बहुत ही कम सीरीज़ में ऐसे हुआ है जिसका फाइनल सीज़न उसके फर्स्ट सीज़न जितना कमाल का और शानदार रहा हो। इस सीज़न में हर एक कैरेक्टर का महत्व भी बताया गया है कि उनका मकसद शुरुआत से क्या है और वो कैसे इस सीरीज़ के फाइनल साइकिल में जाकर ख़त्म होता है।
डार्क का सीजन 3 ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर आ चुका है, तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? आप जल्दी से जल्दी जाइए और देखिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह सीरीज़ कैसी लगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।